हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। थर्ड चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ बेसिक हमको कॉन्सेप्ट समझाया गया है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत। विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है, जस्ट उसमें एक फ्लो रहता है, एक करंट रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, उसके वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हम उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो आगे हमको दिया है कि जैसे कि बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इतना इम्पॉर्टेंट है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, इतना उसका इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। वी डिपेंड ऑन द ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो भी डे टू डे के लाइफ में भी हमारे वस्तुएं यूज होती है, उस पर भी उसको हम किससे ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट करते हैं। जैसे हम ले लें बेसिक चीज़ें क्या है कि पावर सप्लाई के बिना क्या है, हॉस्पिटल, बैंक्स, ऑफिसेस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मेक अल्टरनेटिव। अगर किसी दिन इलेक्ट्रिक का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए या होने जैसा है या नहीं भी होने जैसा है, तो क्या है, वो एक अल्टरनेट ऑप्शन रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। कभी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है तो क्या करते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन जो जनरेटर रहता है उससे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में भी इम्पोर्टेंस है, बैंक, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर रनिंग इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक मोटर एंड सेवरल अदर इंस्ट्रूमेंट यूज बाय इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में भी इसका क्या है, बहुत यूजेस है ज़्यादातर। डोमेस्टिक अप्लायंस, जैसे हम घर में देख लें तो हमारे घर में क्या रहता है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक ओवन है, मिक्सचर, फैन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, ETC, इन सबको हम क्या है, किससे चलाते हैं, इलेक्ट्रिक से चलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है इसमें। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक से हमारी दो चीज़ें होती है, एक तो टाइम और लेबर का बचत भी होता है, तो इसके लिए हमारे लिए इलेक्ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे हमको दिया है कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ये केवल इंसान के लिए ही नहीं, बट सम एनिमल्स, जैसे किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, फॉर एग्जांपल फिशेस, जो फिशेस मछली हम रखते हैं, जो पॉट्स बना रहता है उसके लिए भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो किससे रहता है, कनेक्ट रहता है इलेक्ट्रिसिटी से भी रहता है। तो कहने का मतलब मीन क्या है कि इंसान और जानवर और इलेक्ट्रिक मशीन सबके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, जैसे हमको बताया गया है कि इसका फ्लो कैसे होता है। फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ डैम एट अ हायर लेवल एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। हायर लेवल से किधर पानी जाता है, नीचे के साइड जाता है, किससे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे गिरता है, फॉल्स टू अ लोअर लेवल। दस एज वी नो एज अ डिरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ वाटर बिटवीन टू पॉइंट्स डिपेंड ऑन अ लेवल ऑफ अ टू पॉइंट। हम जैसे वाटरफॉल के बारे में समझे, क्या होता है, अपर लेवल से पानी किधर गिरता है, लोअर लेवल की तरफ, तो इसके बारे में हम समझेंगे क्या दिया है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब देखिए, इसको हमको कुछ एग्जांपल से यहाँ पर समझाया गया है जो कि आप देख सकते हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। इक्विपमेंट दिया है क्या है, टू प्लास्टिक बॉटल्स, रबर ट्यूब, क्लैंप, वाटर, चार चीज़ों की ज़रूरत है जो कि बताया गया। प्रोसीजर क्या है, सेटअप किया गया है, एक बॉटल को थोड़ा ऊपर रखा गया है, एक बॉटल को नीचे रख गया है, और दोनों को किससे, एक पाइप से हमने रबर ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, और एक बीच में हमने क्लैंप से उसको बांध दिया है, और दोनों में हमने क्या किया है, ऊपर वाले बॉटल में हमने पहले पानी भरा हुआ है, फिर से हमने क्या किया, जैसे ही हमने क्लैंप को ढीला किया, क्लैंप को हमने जैसे ढीला किया, क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। फ्लो कब तक होगा, जब तक कि एक इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती है, मतलब जो ऊपर वाला बॉटल और नीचे वाले बॉटल का लेबल जब बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। लेकिन
ये कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक कि ये पानी ऊपर वाले बॉटल का लेबल ज़्यादा रहेगा और नीचे वाले का कम रहेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेबल ऑफ वाटर एंड डिफरेंस ऑफ फ्लो दिया है। अब ऐसे ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। जब पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो हमेशा हायर टू लोअर की तरफ फ्लो होता है। वी हैव सीन अर्लियर देन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द कंडक्शन, ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करते हैं, निगेटिव हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ द हायर पोटेंशियल। अब देखिए, हमने पानी का देखा तो वहाँ पे क्या दिखा रहा है, हायर टू लोअर दिखा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में उसकी अपोजिट सिचुएशन रहती है, हमेशा किधर फ्लो करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव वे में फ्लो करता है, ठीक है। तो पॉइंट टू हायर पोटेंशियल, अ लाइटनिंग स्ट्राइक इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर निगेटिव पोटेंशियल ऑन द क्लाउड्स टू द पॉइंट ऑफ हायर जीरो पोटेंशियल ऑन द अर्थ। वी शैल स्टडी द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन हायर स्टैंडर्ड। अब इसको क्या है, बस हमको इसमें इतना ही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज रहते हैं, और जो उनका फ्लो होता है किधर से रहता है, निगेटिव टू पॉजिटिव रहता है। पानी के कंडीशन में हमने क्या देखा, या किसी अदर वे में देखेंगे तो हमेशा हायर टू लोअर रहता है, लेकिन हम निगेटिव यहाँ क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी में अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसको ट्रांसफॉर्म होते हुए आप देख सकते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे और समझेंगे इसको। और इसको डेप्थ में कहाँ पर बताया गया, हमको हायर स्टैंडर्ड में, और यानी कहने का मतलब 10th, 11th, 12th में हम इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। वी यहाँ पर दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट टू पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पर हमको देखेंगे तो एक ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ ए है, ग्राफ में क्या बना है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है, और उसको हमने एक वायर से उसको कनेक्ट किया है, कंडक्टिंग वायर, जिस वायर को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग वायर बोलते हैं। हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब फिगर में हमको देखने के बाद क्या मिल रहा है, कंडक्टर ए इज एट अ हायर पोटेंशियल, कंडक्टर ए कहाँ है, हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर बी से है। व्हेन दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। जब हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन इट्स टू एंड। जब दोनों एंड है हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और क्या होता है आगे कि एन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और जो इलेक्ट्रॉन का अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, निगेटिवली चार्ज रहते हैं, निगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करने लगते हैं, ठीक है। ए एंड बी हैव द सेम पोटेंशियल, और ए कब तक फ्लो करेंगे, जब तक ए बी, बी ए या ए बी जैसे भी बोल लीजिए, क्योंकि फ्लो किधर हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। जब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो हो जाता है। ओनली देन विल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप। उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन रहता है, निगेटिवली चार्ज रहता है, वहाँ पर क्या होता है, उसका फ्लो रुक जाता है। इस चीज़ को हमको यहाँ पर समझाया गया है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है। वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल,
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल के बारे में समझेंगे। द डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल रहते हैं आप सेल में देखेंगे तो एक क्या रहता है प्लस और एक माइनस रहता है, तो वहाँ पर दो टर्मिनल हो गए ऑफ सेल इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, एक इससे होता है डिफरेंस किसके होगा, केमिकल रिएक्शन के कारण होता है अकरिंग इन द इन साइड द सेल, जो उसके सेल के इनसाइड अंदर रहता है, क्या रहता है कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से क्या होता है उसमें से इलेक्ट्रिक या करंट फ्लो होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड ऑफ अ सेल। जब उसको हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उससे करंट फ्लो होता है। करंट जब फ्लो होता है तो वहाँ क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब हम यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट हमको क्या डिफिनीशन निकला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, उस पर उससे काम कितना हुआ, उससे वर्क डन कितना हुआ टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज द कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट का हमको फॉर्मूला क्या दिया है, वर्क कितना डन हुआ और टोटल चार्ज ट्रांसफ़र, जो हमारा चार्ज था उससे कितना ट्रांसफ़र हुआ। तो हम पोटेंशियल को V से यहाँ पे डिनोट करते हैं और W वर्क हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा क्या है पोटेंशियल चार्जेज डिस्प्ले होता है ट्रांसफर्ड होता है, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड को हम Q से डिनोट करते हैं। वन V मतलब वन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वन जूल अपान वन, इसको हम बोलते हैं क्या है कूलम, वन सी, सी को हम क्या बोलते हैं कूलम। द यूनिट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट, एसआई सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं, यूनिट को जिसमें हम मेजर करते हैं उसको हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पर क्या दिया है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि फ्री मोमेंट में कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, वो अपने फ्लो कर रहे हैं, इसकी कोई भी दशा दिशा नहीं दिख रही है, इसको कहीं पर भी कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दिखा गया है, फ्रीली वो किधर भी मोमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ऊपर न्यूक्लियस दिया है, नीचे इलेक्ट्रॉन, ऊपर इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ सिंगल एटम के बारे में बताया गया है। वीकली अटैच्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एटम्स इज ए अकॉर्डिंगली कंडक्टिंग सॉलिड, जब इसको हम किसी वायर से या किसी इससे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं न्यूट्रॉन वो सब एक्टिव हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्टिव हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली फ्रॉम एटम टू एटम, जब ये फ्री मोमेंट में रहते हैं तो ये किधर भी फ्रीली घूमते रहते हैं, उसमें कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं दिखेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमको दिखाया गया। आगे हम देखते हैं एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हमको कराया गया है। द इटालियन साइंटिस्ट एलेसांड्रो वोल्टा कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, उन्होंने क्या किया था, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक सेल का कंस्ट्रक्शन किया था, इलेक्ट्रिक सेल बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं वोल्टा। द यूनिट ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड वोल्ट, और इन्हीं के नाम पे जो हम इलेक्ट्रिक को मेजर करते हैं वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्टा जी के नाम पर ही उसको उनके सम्मान में हम इसको वोल्ट का नाम दिए हैं कि वोल्ट में मेजर करते हैं, तो इस साइंटिस्ट जो फेमस साइंटिस्ट हैं इनके नाम पे उसको हम वोल्ट का नाम देते हैं। डू यू नो, आगे हमको दिया है वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट, जो सबसे स्मॉल यूनिट रहता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए वन मिली वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, वन मिली वोल्ट इक्वल टू होता है 10^-3 वोल्ट, 10^-3, यहाँ पर क्या किया गया है निगेटिव में, उसका जो मेजरमेंट आ रहा है क्या हो रहा है निगेटिव में है,
ठीक। और माइक्रोवोल्ट, 1 माइक्रोवोल्ट इक्वल टू कितना हो जाता है, 10^-6 वोल्ट हो जाता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, मेजरमेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग यूनिट, और जो लार्ज वैल्यू रहती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं उसके बारे में बताया गया। देखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवोल्ट को हम कैसे करते हैं, वोल्ट, वी से वोल्ट होता है, के से किलोवाट होता है, ठीक है। 1 किलोवोल्ट को हम 10^3 वोल्ट बोलते हैं, 10^3 वोल्ट होता है, और 1 मेगावोल्ट को हम 10^6 वोल्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ मेजर और मिनिमम जो स्मॉलर है दोनों के बारे में बताया गया। स्मॉलर को हम निगेटिव में, इतना छोटा पार्ट रहता है उसको हम निगेटिव में एक्सपेक्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या रहता है कि बड़ा पार्ट रहता है इसको हम पॉजिटिव में एक्सपेक्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब आगे हम क्या देख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया। एवरी एटम ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर हैज वन आर मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स विच आर वेरी वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस। वो किससे बंधे हुए हैं, न्यूक्लियस से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कोई मेटलिक कंडक्टर, कोई हम मेटलिक पट्टी में अगर देखेंगे तो उसको दिखाया गया है, हमको क्या दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेंडमली किधर भी घूम रहे हैं, ठीक है। माइनस ई आप इसमें देख रहे हैं, किसको, मेटल वायर को दिखाया गया है, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली रेंडमली मोशन कर रहे हैं, किधर, इधर से उधर घूम रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन कैन ईजली मूव टू वन पार्ट टू द कंडक्टर ऑफ इट्स अदर पार्ट, बट निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो गेट ट्रांसफर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोशन, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर आर कैरीज अ निगेटिव चार्ज। जब इसको हम क्या करते हैं, किसी प्लस माइनस से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू, या जो भी हमको मेटल पार्ट दिख रहा है इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इसमें एक्टिव हो जाते हैं, एक डायरेक्शन में एक्टिव हो जाएंगे, किधर से, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव टू हमने अभी डिस्कशन किया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक क्या रहता है, मूव किधर से करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ करता है। जो हमने वाटर का यहाँ एग्जांपल दिया था, देखा था, उसका सेम अपोजिट होता है, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर बताया गया है किसमें, इन द फिगर 3.4A में दिया है। इफ़ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, जब वायर को हम क्या करते हैं, जब तक सेल से नहीं कनेक्ट किए रहते हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन मूव, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या है, मूव कर रहे हैं रेंडमली, इधर उधर घूम रहे हैं, ऑल डायरेक्शन मतलब किधर भी घूम रहे हैं, ठीक है। इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स, जो यहाँ पर स्पेस दिखाया गया है वो फ्रीली कहीं पर भी रेंडमली घूम रहे हैं। व्हेन वी कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर, जब हम क्या कर रहे हैं इसको, इस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं किससे, टू टर्मिनल क्या रहेगा सेल का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा। जब हमने इस वायर को कनेक्ट किया या इसको, इस टर्मिनल को हमने वायर से कनेक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने लगती है, किस पे, ऑन द इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पर वर्क करने लगती है। बीइंग नेगेटिवली चार्ज, और क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं दे स्टार्ट मूविंग, फिर वो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और मूविंग करना चालू कर देते हैं, किधर से, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू पॉजिटिव हायर की तरफ, लोअर टू हायर या नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरह मूव करने लग जाते हैं। टर्मिनल ऑफ अ सेल एज शो इन द फिगर 3.4B में, जो कि हमको दिखाया गया है कि टर्मिनल के कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे एक्टिव हो गए हैं और किधर से किधर फोर्स कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो एक टर्मिनल हमको पॉजिटिव दिखाया गया है, एक नेगेटिव, और जब ये फ्लो करता है तो कहाँ से फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा यहाँ से, नेगेटिव से जाएगा, नेगेटिव के तरफ से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया गया है और बताया गया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। करंट स्टार्ट टू फ्लो
थ्रो द वायर, किसके थ्रू? वायर के थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इरेगुलर बट देयर इज अ डेफिनेट नॉन जीरो वैल्यू टू देयर एवरेज वेलोसिटी। वो नॉन देयर, वहाँ पे जो उसकी एवरेज वेलोसिटी है क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। जब जीरो के बराबर आ जाएगी तो क्या हो जाता है, फ्लो रुक जाता है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस टू द टू एंड्स ऑफ द वायर, हमको क्या दिखाया गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाया गया है। अब हम आगे इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम इसका जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम किस में चलेंगे बच्चों, इसके बाद ओम्स लॉ जो दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक थोड़ा सा दिया है, हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। क्वांटिटेटिवली करंट को हमने किससे, आई से डिफाइन किया है, और चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, और टाइम को हमने टी से डिवाइड किया है, डिफाइन किया है इसको। इफ़ चार्ज क्या होता है, क्यू, ठीक है, क्वांटिटेटिवली दिया हुआ है, इज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम टी, देन करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी होता है, ठीक है बच्चों। इसका फार्मूला क्या हो गया, अगर करंट के बारे में पूछा जाए तो करंट इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटेटिवली डिवाइडेड बाई टी होगा। द यूनिट ऑफ अ चार्ज एसआई सिस्टम किसको बोलते हैं, जो यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम इज कूलम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। करंट इज एक्सप्रेस्ड इन द एम्पियर ए, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज क्या होता है, 1.6। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का में चार्ज कितना रहता है उसके बारे में बताया गया है, निगेटिवली रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्ब होता है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। आगे हमको एक यहाँ पर बताया गया है, इवन ए पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, इवन थ्रो फ्रॉम द निगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, कन्वेंशनली द डिरेक्शन ऑफ अ करेंट फ्लो इट टेक्स टू बी द पॉजिटिव टू द डिरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब उसको हम चार्ज करते हैं तो क्या रहता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन जब उससे हम करेंट यूज करते हैं उसका करेंट, तो क्या हो जाता है, इसका निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि दिया है एम्पियर, वन एम्पियर करंट इज सेट टू बी फ्लो इन अ कंडक्टर इफ़ वन कूलम चार्ज फ्लो थ्रू इट्स एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड्स कितना दिया है, कंडक्टर के थ्रू जो वन कूलम चार्ज फ्लो होता है उसको हम, वन एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, वन कूलम अपान यहाँ एवरी सेकेंड में होता है, तो वन एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन कूलम अपान वन सेकेंड। इसका मेजरमेंट भी यही है, इसको हम एम्पियर में और यहाँ पर कूलम में, और इसको टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग यूनिट, अब भी हमने पढ़ा था, वन क्या है, मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, वन मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10 रेज टू माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10 रेज टू माइनस 6 एम्पियर। द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट करके ये मेजरमेंट बताया। टुडे वी कैन मेजर द करेंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। द यूनिट ऑफ करेंट इज कॉल्ड एम्पियर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ग्रेट वर्क, ठीक है। तो इसको उनके नाम पर हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। अब देखिए हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, अ करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लो, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है करंट फॉर 5 मिनट, और कितने टाइम, 5 मिनट के लिए। हाउ मच चार्ज
हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू कितना चार्ज पास हुआ उसके बारे में हमको बताना है। तो गिवन में हमको I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I इक्वल टू 0.4 एम्पियर दिया है, T इक्वल टू हमको 5 मिनट दिया है। तो इक्वल टू पहले तो हम मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 मिनट इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 300 सेकेंड हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या है, Q इक्वल टू I इंटू T, Q हमको निकालना है, क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर कंडक्टर के थ्रू पास हुआ चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू हो जाएगा 0.4 एम्पियर इंटू 300 सेकेंड। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 होगा और एक जीरो बढ़ा देंगे और पॉइंट हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर बचेगा 120 C, जो कि कूलम में हम मेजर करते हैं। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर के थ्रू टोटल चार्ज कितना पास हुआ है, 120 कूलम। तो बच्चों इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होता है, वाटर का फ्लो के अगेंस्ट क्या होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और इसके बारे में हमने निगेटिव के बारे में समझ लिया, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है उसका मेजरमेंट हमने देखा और समझा, सबसे मिनी स्मॉलेस्ट मेजर क्या होता है, सबसे बिगर और बिगेस्ट मेजर क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना और समझा। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर या जो सेकेंड पार्ट बनेगा, किसके बारे में रहेगा, रेसिस्टेंट एंड ओम्स लॉ के बारे में बनेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो हम उसमें ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।